जस टीवी देख रहे तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट वे तुहाडा सब का स्वागत करता। करोना तकरीबन यही महीना सी पिछले साल का जो करोना ने कहर फराया, तो उस तो बाद लॉकडाउन वर्गे फैसले होए, तो लॉकडाउन के फैसले तो बाद अर्थचारे वाले सवाल है जिहड़े देश के सामने खड़े हो गए। असी मजदूरों सड़कों पर रोलद्या देखिया, भुखे मरद्या देखिया, करोना के नाल मौतां हुंदियां देखिया, उस तो बाद रिश्तेदारों भजद्या भी देखिया, उन्होंने संस्कार तो मूँह मोड़द्या भी देखिया। इस सब के बावजूद मौके आने लगे जो सूँ लग्या कि हुण असी सही लई ते आ गए हैं, पर हुण फिर एक बार देश दे विच करोना दे बारे गल की जाण लग पई है, तो वैक्सीन जदों आउंदी आ तां उस वैक्सीन नूं किस तरीके समझा जा रहा, किस तरीके उन्हें प्रचारिया जा रहा, यह सवाल अपने आप खड़े हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि सानू सावधानी वरतनी चाहिए है, तो मुख्यमंत्रियों ने बैठक करते हैं, इस विच जनता का सरोकार किन्ना, इस विच मैडिकल साइंस का सरोकार किन्ना, क्योंकि जो पोलिटिकल साइंस गल करती है उदो मैडिकल साइंस के सवाल कितने मनफी तो नहीं हो रहे, ये सवाल भी हुणे लाजमी है। असी वड्डा सवाल एक करांगे कि देश विच की करोना की दूजी लहर है, की है पीएम का एक्शन प्लान। साढ़े दे नाल खास मेहमान मौजूद होणगे, पर वड्डा सवाल तुहानूं दस दईए, जिहड़े सवाल ते असीं चर्चा करनी है, सवाल यह है कि कोविड वैक्सीन की एंट्री तो बाद देश विच करोना ते किन्ना कंट्रोल है, वैक्सीन नूं तुसीं ट्रीटमेंट समझदे हो, वैक्सीन नूं तुसीं प्रिकॉशन समझदे हो, यह सवाल अपने विच वड्डा, इस करके सवाल असीं यह पुछांगे। मेहमान साडे नाल मौजूद हैगे, उन्हां तुहाडा तारुफ करा रहे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ती प्रोफेसर ने, कम्यूनिटी मैडिसन के एम डी ने, तो बड़े अच्छे कॉलमिस्ट ने, अक्सर लिखते रहेंगे, तो पिछले जिन्होंने आर्टिकल भी लिखा सीगा एक साल जो मुकम्मल होया कोविड का करोना का उनके बाबत भी इन्होंने लिखा असी की सीखिया, तो इन्होंने पोलिटिकल साइंस से मैडिकल साइंस वाले सवाल बड़े खड़े किए थे, इस करके इन्होंने सद्या, अक्सर इन विषयों पर खोज करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ती हरां का बड़ा लंबा तजर्बा, तो अमृतसर तो साडे नाल मौजूद है। दीप्ती साहब सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। डॉक्टर अमरीक सिंह बेदी वाइस प्रेजिडेंट ने इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के, तो वर्ल्ड मैडिकल एसोसीएशन के एडवाइजर ने, तो जो ये करोना के बाबत अं चर्चावान शुरू की उदों के डॉक्टर बेदी साढ़े को आते हैं, तो इन्होंने सरकार दई नीतियां तो सवाल भी खड़े किए थे, तो अक्सर ये कहेंदे कि जेडे डॉक्टर है ज होर जो स्टाफ है सरकार डॉक्टरी अमला वो इस जोड़ा शिकार होया उसकी गल नहीं की जा रही, उसकी गल भी होनी लाजमी है। डॉक्टर बेदी सर थोड़ा बहुत स्वागत है। सर डॉक्टर संतोख सिंह जनरल फिजिशियन ने, डाइटिशियन ने, न्यूट्रिशन ने, तो डॉक्टर संतोख सिंह गरां नूं अक्सर तुसीं सोशल मीडिया से बहुत देखते होंगे कि कई तरह के इलाज दसते रहेंगे, कई तरह की बीमारियों बारे तुम जागरूक करते रहेंगे, डॉक्टर संतोख सिंह नूं सोशल मीडिया तो असीं लभिया सीगा, तो इन्हां समझ की कोशिश करांगे, देसी नुक्तियां नूं देश की जनता समझ सकी है कि नहीं समझ सकी। डॉक्टर संतोख सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। सब तो पहला सवाल डॉक्टर दीप्ती तुहानूं करना चाहूँगा, डॉक्टर दीप्ती जदों असीं कम्यूनिटी मैडिसन की गल करते हैं, तो मैं तो पहला कम्यूनिटी की गल करूँगा सर, कम्यूनिटी इस करोना ने की सिखाया, इन सरकार ने की सिखाया, तो मैडिकल साइंस ने सर इस तो की सीखा? डॉक्टर दीप्ति हाँ जी, देखो मैं मतलब कि कम्यूनिटी मैडिसन का बंदा है, तो वह कम्यूनिटी के वक्त ही मैं गल करना कि जो असी किसी भी महामारी समझते हैं, कम्यूनिटी मैडिसन के मतलब कि एक माहर होने के नाते असं ये समझते हैं कि इन्हें चार पड़ा होंगे है, पहला पड़ा होंगे जो बीमारी होंगी है, जो महामारी आती है उदो जो आप देखा है पिछले सालों दौरान भी उनके उसका स्वरूप की है, असं देखा है स्वरूप यह है कि यह बहुत जल्दी फैलती हैगी है, पर घातक बहुत घट हैगी है, ये डब्ल्यू एच ओ ने भी उदो शुरुआत कहा कि तुम हिसाब लगा लो, हूँ भी अज एक साल बाद एक लख एक करोड़ दस लख करीब पॉजिटिव केस हो जो मौत दर देखिए तो यह 1.4% बनती हैगी है, यानी कि कोई ये मैं कहा कि मौत तो एक भी बारी होंगी है, पर फिर भी बाकी बीमारियों के मुकाबले कोई बहुत ज्यादा ये वही घातक बीमारी नहीं हैगी जी डब्ल्यू एच ओ ने भी कहा सीगा। तो असी जे इनू होर मतलब कि विश्लेषण करिए तो तुम देखो भी असी कहते रहे हैं भी 80-85% वो ने जिन्होंने मामूली बीमारी होंगी है या जिन्होंने लक्षण भी नहीं होंगे जो कि सिर्फ होंगी है तो उन्होंने पता भी नहीं चलता, कोई 12-13% लोग वो ने मरीज जिन्हों हल्की जी बीमारी होंगी है जिन्होंने खांसी होंगी है गला खराब होंगे तो बुखार चलता है जो थोड़ी बहुत दवाई के नाल ठीक हो जाते हैं, चाहे वह मतलब कि साडे मैडिकल साइंस की पैरासीटामोल है या सिट्राजीन है
या डॉक्टर संदोख सिंह दसोंगे कि काड़े कुड़िया नाल भी पुण निकल जाती हैगी है। जे तुसीं देखो तां 5-6% हो रहे जिन्होंने सीरीयस बीमारी होंगी है, जिन्होंने ऑक्सीजन घटती है, जिन्होंने ऑक्सीजन की लड़ पैंती है, आईसीयू की लड़ पैंती है, वेंटीलेटर की लड़ पैंती है, उनके भी तुसीं देखो भी 3-3% लोग ने वो उस बीमारी हालत में भी वापस आ जाते हैं। तकरीबन डैथ बनती है 1.5%, 1.5% डैथ जी है ना वो बनती हैगी है। असी इस मैं मानता कि एक डर का माहौल बनाया गया, पहला भी बनाया 12 साल, हूँ असं दोबारा फिर मतलब कि उस माहौल दोबारा वापस ले जा रहे हैं लोगों, जो कि यह बीमारी इन्नी घातक नहीं हैगी है। डॉक्टर दीप्ती तुहानूं टीवी वालों तो भी बड़े सवाल रहिंदे है कि टीवी वाले आपस में डिस्कशन नहीं करते गए कि असल मामला है की है, ये सर टीवी वाले डरा रहे हैं या ये राजनीति शास्त्र जिहड़े प्रचार दे सर वो डरा रहे हैं, कौन डरा रहे सर, या डॉक्टर तां नहीं डरा रहे सर, डॉक्टर तां नहीं शामिल इहदे विच? देखो जी मैडिकल साइंस का एक सबजैक्ट हैगा, बीमारी हैगी वायरस जिहड़ा हैगा उनके सिम्पटम हो रहे ने, बंदा बीमार हो रहा है, मैडिकल साइंस का सबजैक्ट हैगा, असीं दित्ता कि इहनूं पुलिस नूं, इहनूं पुलिस हैंडल कर रही हैगी है। दूसरा इस नूं टीवी सी, टीवी दे दा काम असीं सोचदे कि जागरूकता फैलाना सीगा, लोकां नूं डर विचों कढ़ना सीगा। मैनूं याद है पिछले साल की डेट याद की है कि 16 मार्च का दिन सीगा जो मतलब कि टीवी के उत्ते यह गल कही गई कि हिंदुस्तान के विच कोरोना केसा ने पार किया 100 दा आंकड़ा, इस्तेमाल किए जो कि देखो भी आप हूं भी जो कही अज भी जो एक मैसेज देना हो कह सकते हैं कि कोरोना की जी बीमारी हैगी वायरस है थोड़ी बॉडी जाएगा फ्लू वर्गा हैगा, तो सानू जे कोरोना का पॉजिटिव केस भी आंदा है डरन की लोड़ नहीं हैगी, तुहाडे चांसेस 98.5% ने कि तुसीं ठीक हो जाओगे, ये मैसेज जाना चाहिए ताकि लोग जिहड़े ने प्रधानमंत्री ने कहा भी अज भी असीं डराना नहीं हैगा, पर प्रधानमंत्री का जिहड़ा सीधा संदेश जा रहा हैगा लाइव टीवी तो मतलब कि पेश हो रहा हैगा कि अपने आप ही डराण वाला काम हैगा। ठीक ठीक है, ठीक है डॉक्टर दीप्ती, मैं वापस आऊंगा सर, मैं वापस आऊँगा सर तुहाडे कोले। सर पर असी कोशिश की है जो भी असी डिबेट्स की इन्होंने मुद्दों पर असी किसी को डराया नहीं, सावधानी वाली गल की है हमेशा, जे तुसीं साडियां डिबेट्स देखी हो असी कोशिश की है। डॉक्टर बेदी तुसीं सर बड़े वड्डियां वड्डियां संस्थावां नाल जुड़े हुए हो, डॉक्टर बेदी जदों ये कहा जाए कि साडा करोना करोना तुहाडा करोना फर्जी है, सर इहदा मतलब की, मैनूं समझा दो सर, मैं बड़े सौखे सवाल करूँगा सर जिहड़े सत्थां विच गूंजदे पए। देखो डॉक्टर दीप्ती ने एक पक्ष रखे है, मैं थोड़ा मिडल पाथ लेना चाहूँगा, ये गल है कि भी ये कुदरती तौर पर कुछ यहोजी है जिमें डॉक्टर साहब भी दसनगे तुहानू, साडे हिंदुस्तानियों विच यहोजी कोई इननेट इम्यूनिटी हैगी है या यहोजा कुछ जीन्स विच हैगा है जिदे करके साडे मुल्क विच ये जिहड़ी घातकता हैगी है वो उन्नी नहीं हुई जिन्ने के फॉरन कंट्रीज हुई है, पहली गल। और दूजी गल ये है कि जिहड़ी वेव आई है जिहड़ी सैकेंड वेव की भी अज गल करते पे हैं, पहली वेव भी बाकी मुल्कां तो 2 या 3 महीने बाद हिंदुस्तान च आई सी, सानू टाइम भी मिल गया सीगा, सानू देखण वास्ते भी ये मिल गया सी कि इहदा इलाज किवें हो सकता है, स्प्रैड किवें हुंदा है, इहदे इंतजामां दा भी थोड़ा टाइम मिल गया सीगा। सो अज जिहड़ी मैं ये गल करना चाहना है, डरना तो नहीं है तुसीं जिवें कहा है, बट सावधान रहना भी जरूरी हैगा, 1% मौत मतलब हुंदा है या 1.5% मौत ये हिंदुस्तान हैगी है, बाहर के मुल्क 10% तो ज़्यादा हैगी है, पहली गल। दूजी गल 1% असी 1.5% लैके चलीए तो 100 बंदिया पिछे 1.5 बंदा जड़ा है वो ये मैं समझना कि वो मौत होने के चांसिस है। इत्थे मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानित फितरत दा मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान है कि ये 3 चीज़ें इन्नियां सौखियां ने, मास्क पहनना तुसी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है तो सैनिटाइजेशन करना है या अपने हाथ धोने हैं, ये अगर 3 बचाव असी कर लैन तो जिहड़े 1-1.5% भी जिहड़े बंदे अज जिहड़े मर रहे ने वो भी किसी दे यार दोस्त रिश्तेदार ही हैगे ना, वो अगर बचाव कर सकते हैं तो असी क्यों नहीं सानू ये करना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए। एक होर छोटा ब्रेक लवेंगे, ब्रेक तो वापस आवेंगे, प्रिकॉशन लेने के लिए जरूरी है तो इस प्रिकॉशन नू पोलिटिकल साइंस किस तरीके सानू दसती है, मैडिकल साइंस किस तरीके दसती है, यह सारा कुछ असी समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर का पैनल साडे नाल मौजूद हैगा, इन्हां तो सारा कुछ समझांगे, जे पोलिटिकल साइंस तो ही कल्ला समझना होवे तो फिर मैडिकल साइंस साडे लई उन्नी
यूजफुल नहीं रह जाएगी, पर मैडिकल साइंस का ही मतलब है इस कोविड के विचाले, इस कोरोना के विचाले, उस मैडिकल साइंस के जरिए असं समझा कि एक्शन प्लान होना की चाहिए। वापस आ रहे बड़ा सवाल असं पूछ रहे हैं, कोविड वैक्सीन की एंट्री तो बाद देश में कोरोना पर कितना कंट्रोल है? डॉक्टर संतोख सिंह, जिस तरीके हुण यह कहा जा रहा है कि टैसट वध तो वध होने चाहिए, असी वध तो वध टैसट करते पे हैं, टैसट तो बाद सानू पता लगता है कि असी कोविड के दौर विचों लंघ रहे हैं, जो टैसट ना हो तो सानू पता ही नहीं लगता गा। सर यह जी परिभाषा जी सत्थां दे विच गूंजदी पई है, थोड़ा जिहा क्लैरिफाई कर दो। देखो टैसट तो जरूरी हैगी है, आप सानू बुखार हुंदा है तो अगर बुखार ना उतरे या गला खराब हुंदा है, गला खराब आम दवाइयां दा सिखाने आप ना उतरे तो टैसट करवाना जरूरी है, तो जिहड़े RT-PCR टैसट है वो जरूरी है। लेकिन कई केस ऐसे मैं देखे हैं कि जिहड़े हो के लंघ भी गए, मतलब कि जिन्हां नूं कोविड हो के निकल भी गया तो IgM बन गया, उन्हां नूं पता ही नहीं लग्या, ए सिम्पटोमैटिक रह गए जिन्हां ने टैस्ट भी नहीं कराए। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जिहड़े लोग बहुत ज़्यादा जिहड़े सेकेंडरी डिजीज़ तो मतलब है जिस तरह ब्लड प्रैशर हैगा, शूगर हैगी है या ओबिसिटी हैगी है, ये लोगों नूं जद भी कदी है बुखार हुंदा है अजकल के दिनों के बीच है ना, वो थोड़ा ध्यान देन अपना, क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी वैसे ही बॉडी लो होंगी है, क्योंकि उन्होंने बॉडी के बीच फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होंगे ने, एंटीऑक्सीडेंट्स वो डाइट में खाते नहीं है तो इम्यूनिटी उन्होंने लो हो जाती है। तो इस करके कि जोड़े बंदे ये सेकेंडरी डिजीज ना बीमार है, किडनी के लीवर के डिजीज है, हाइपरटेंशन के है, ये लोग जोड़े है इन्हों का खास ध्यान करना चाहिए कि थोड़ा ऐड ऑन कर ला। पिंडा शहर के लोगों के विचाले कोरोना होने का खतरा किनू ज़्यादा? शहर ज़्यादा तो पिंडा अभी हम फोकस कर लग पे। हाँ पिंडा के बच्चे की चीज़ है, देखो ना पिंड वाले बंदे ना कुदरत दे नाल जफ्फा पा के रेंदे आ, उन्होंने बॉडी के विच इस तरह मैं थोड़ा विच बोला ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट हुंदा है, वो बॉडी के विच मिलता ही मिलता है, वो कितों मिलता है सानू खसखस तो मिलता है। मैं देखिया बीबिया कई ना पिंडा दे खसखस ए मूंछ पा लेंदियां, फुक्की मार लेंदियां सी पहले जमाने के, ये चीज़ा शहरां च नहीं है। तो जिहड़े जिन्हें भी पिंड के बंदे हैगे हैं कि ये जिहड़े हैगे ना इम्यूनिटी ज़्यादा हैगी है, इन्हां दे विच मतलब कि एंटी सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते हैं, इन्हां दी इम्यूनिटी वैसे ही इनेट इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। इसे करके सिंगू ते टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर ते घट सामने है, देख लो किसनूं करोना होया दसो मैनूं, सिंगू दे विच किसी एक बंदे नूं करोना नाल डैथ होई होवे। तो मैं यही चीज़ कह रहा सीगा कि जिहड़ी जिन्ना असीं कुदरत दे नाल रह के अपनी इम्यूनिटी वधावांगे उन्नी असी प्रिवेंटिव, देखो प्रिवेंशन इज बेस्ट ट्रीटमेंट है ना, सानू बीमारी होवे ही ना गल ही मुक गई, तो मतलब जिहड़ा वायरस हैगा साडी बॉडी च एंटर करदा तो उत्थे खत्म हो जाता है। तो ये जिहड़ी इम्यूनिटी हैगी है जिहड़ी आपां खाण पीन दे नाल कर सकते हैं, रंग बिरंगे फ्रूट जिन्हें रंग रब ने बनाए ने, अजकल चकुंदर मिल रही है, अजकल ग्रीन ते रेड ते येलो कैप्सिकम मिल रहा है। चकुंदर चंगी है जी? बिल्कुल, मैं अज ही खाधी, मैं तो वैसे ही खा ली, मैनू नहीं पता चकुंदर चंगी है। नहीं बिल्कुल चंगी है जी, जिन्हें रंग है कुछ ना कुछ उन्होंने एंथोसाइनिन्स वगैरह कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे ने, नाम लिता है, तो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल ठीक करते हैं, इनडायरैक्टली इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो कुदरत नाल रहेंगे तो आप इम्यूनिटी बढ़ा के रखा तो दूर रहेंगे बीमारी तो। ठीक है डॉक्टर बेदी, फिर सवाल तो मेरे तो होर पासे हो गया, जो सवाल मैं तुम्हें पूछने जा रहा है। डॉक्टर संतोख सिंह ने यह किया कि कुदरत नाल एकमेक होने की सानू जरूरत है, मैनू लगता फिर सानू साडा डेवलपमेंट मॉडल है जिहड़ा विकास का मॉडल है वो चेंज करना पेगा, मैनू तो इवें लगता पे हैल्थ वालों भी। देखो इस तरह हैगा कि हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक साल के इंप्रूव हो नहीं सकता, सो अजे भी तुसी देखोगे कि इस बारी भी जो हैल्थ का बजट जो असी इन्होंने एलोकेशन की है, एलोकेशन भी ये निराशाजनक हैगी है, और अग इन्नी वड्डी महामारी जिन्हों गवर्नमेंट कहती है महामारी है वो आन तो बाद जिहड़ा बजट आया वो भी हैल्थ वास्ते कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिता, और अगे फिर ये हैल्थ नूं इंप्रूवमेंट जिहड़ी हैगी वो किवें मिलेगी। सो ये तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है कि असी गल्लां नाल ते कुछ निबेड़ नहीं सकते जब तक असी ग्राउंड लैवल ते नहीं करांगे। देखो साइंस दे युग दी इन्नी वड्डी ये कामयाबी हैगी कि वैक्सीन उन्होंने जिहड़ी पहला 4, 5 या 7 साल तो आती सीगी अज 1 साल दे विच लोकां विच उन्होंने मुहैया करा दी है, मगर बड़ी इंसानियत उत्ते मैनूं हैरानगी आती है कि हैल्थ केयर वर्करां ने भी 50% भी नहीं है जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। सो ये जिहड़ी चीज़ां है मेरे को डाटा है तकरीबन 2% तो ज़्यादा जिहड़ा बस इन्नी हजे वैक्सीनेशन हुई है। एग्जैक्टली हाँ मेरे को जिहड़ा डाटा बट इत्थे ये भी मैं कहना चाहूँगा
ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ ਸਰ ਯੈਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਏਜ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 30 35 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਰ WHO ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ WHO ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ WHO ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ WHO ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਵੇਚੂੰਗਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਓਲਡ ਏਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 60 ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ 50 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ 30 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਡਾਊਟ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਆਨਸਰਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਥ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਫੀਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਸਰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਰੀ ਮੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਜ਼ੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਦ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਨਾ ਆਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੋ ਵੀ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਵੀਅਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਵਾ ਲਓ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਪੀਸ ਜੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ 10-15 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਬਖੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾਰਿਸ਼ ਖੁਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਮੁਸਕ ਲਾਏ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਿ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਸਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਦਲੇਰਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲੱਗਣਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡੋਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 90% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਨਰਲੀ ਅਗਰ 70-80% ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ -60 ਅਤੇ -70 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਤੋ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ 2-8 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰ ਡੋਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਇਹ ਸਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਆ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿ ਫੋਟੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਲਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25,800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਅਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪੋਲਿਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ RT-PCR ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਇਹ RT-PCR ਦਾ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਆ? ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਏਗੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਨਾ। RT-PCR ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰ ਕਰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਇਤਿਹਾਦ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਵਾਓ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਚ ਬੈਰੀਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ,
वो ये कहते हैं कि मैडिकल साइंस वाले सवाल घट है, पोलीटिकल साइंस वाले सवाल ज़्यादा है, पर यह सवाल मैं तुहाडे लिए कर रहा, ये तुहाडे जहन के सवाल है, जिहड़े सवाल तुसी लगातार सानू पुछदे हो वो सवाल मैं इस चर्चा दे विच पुछण दी कोशिश कर रहा, क्योंकि तुहानू समझ आ जाए मैडिकल साइंस का एक्शन प्लान की है, पोलीटिकल साइंस का एक्शन प्लान की है, तो तुहाडा एक्शन प्लान की होना चाहिए। जो तक तुसी आपका एक्शन प्लान नहीं बनाओगे किसी का प्लान सफल नहीं हो सकता। ब्रेक तो वापस आ रहे हैं। कोविड वैक्सीन की एंट्री तो बाद देश विच करोना ते किन्ना कंट्रोल। डॉक्टर दीप्ति सर, एक बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन है सर, मैं वैसे कोशिश ये कर रहा मैं सौखे सधारण तो स्पष्ट सवाल किए जाए। डॉक्टर दीप्ति, लोगों में यह सुनेहा है कि वैक्सीन आ गई है तो हुण कंट्रोल हो जूगा, तो पर हुण जिहड़े सुनेह दिते जा रहे, सुनेह दिते जा रहे हैं कि लगातार गिनती वधदी जा रही है, नवा स्ट्रेन आ गया है, नवे स्ट्रेन दे सर टैस्ट तो पहला दस दिता जा रहा कि नवा स्ट्रेन है जिहड़ा पंजाब विच भी एंटर कर चुका, इत्थे भी एंटर कर गया। सर ये थोड़ा जिहा समझा दो सर, लोगों को यह डराया जा रहा, समझाया जा रहा, की किया जा रहा सर? देखो जी, वायरस की खासियत हैगी है कि वायरस जिहड़ा हैगा वो लगातार अपना स्ट्रेन बदलता हैगा। जिहड़ा करोना वायरस भी हैगा ये कोई मतलब कि बिल्कुल नवा वायरस नहीं, एक फैमिली हैगी है। असीं जे इबोला की गल करिए, जीका वायरस की गल करिए, सारे का परिवार एको ही है। ये हर साल अपना रूप बदलता हैगा, ये मतलब कि इस तरीके बदल रहा है। पर जी वैक्सीन आई हैगी है, उन्होंने जेड़े भी डाउट से जो क्वेश्चन साढ़े उठने से उन्होंने सब का जवाब पहला ही बना के रख्या होया है। वो कह रहे हैं कि असी जरा मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वैक्सीन बनाने वास्ते, वो मटीरियल वो हैगा कि स्ट्रेन चाहे बदल जाए पर सेंट्रल जरा मटीरियल हैगा वो सारे मतलब कि इन्होंने बदले हुए स्ट्रेन के उत्ते भी इफेक्ट करूंगा। उस तरीके उन्होंने को इस गल का जवाब आ हैगा। पर स्ट्रेन बदलने नाल वैसे तो आम तौर पर जरा फ्लू का वैक्सीन जरा है अमेरिका दे हर साल फ्लू होंदा है, हर साल स्ट्रेन बदलता है, हर साल वो वैक्सीन भी थोड़ा बहुत आल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। पर तुम दस कि इस बार कुछ नवी टेक्नोलॉजी जीडिया ने इस्तेमाल की गई ने। एक जरा कोविशील्ड वैक्सीन है, वो आर एन ए एम आर एन ए टाइप ऑफ वैक्सीन है, जरा मतलब कि को वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटी वैक्सीन है, उन्हें जो वायरस न किल किया गया है इनएक्टिवेट किया है तो फिर बनाई गई है। जरा कोविशील्ड वैक्सीन है चाइना तो यह वायरस है जो अगे वध्या, सर चाइना की जी वैक्सीन है सर वह ज्यादा वधिया होगी बाकी कंट्रीज नालों, असीं ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं ये चीज़? देखो चाइना की वैक्सीन आई है, रशिया की वैक्सीन आई है, पर उन्होंने हजे रिजल्ट बिल्कुल सामने नहीं है। जिन्हें अपने को बाकी मॉडरना वैक्सीन है यूएसए की, जी ऑक्सफोर्ड तो फाइजर की जी वैक्सीन है, ये जी अपने सीरम इंस्टीट्यूट बना लिया है, एक ये वैक्सीन हैगी है, एक जी आप बनाई हैगी है वो वैक्सीन हैगी है, एक स्पुतनिक हैगी है रशिया वाली, एवं चाइना वाली भी हैगी है। पर उन्होंने मतलब कि हाले तक जो रिजल्ट ने वो साढ़े सामने मतलब नहीं आए। चाइना वैसे भी चलो अपन जिस तरह दिसर्च ने जोज ने उन्होंने इन्ना ओपनली डिस्कलोज भी नहीं करते, इस करके उसका पता नहीं भी किस मतलब की तक उन्होंने इफेक्टिवनैस हैगी है या किस तरह की बदली है। ठीक ठीक है डॉक्टर बेदी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लोगों हुण की गाइड करना चाहती है? देखो ये है कि लॉकडाउन जोड़ा है वो लास्ट मईयर है, उस तो पहला एक तो पर्सनल लैवल से जिहड़ी तीन चीज़ा असी गल की हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, इनू पर्सनल लैवल से ध्यान रखना है, अपने घर विच, अपने वर्क प्लेस विच, पब्लिक प्लेस विच अगर थोड़ा बैरियर लगाने की कोशिश की जाए तो उस कोई माड़ी गल नहीं है। मैं एक सवाल कर ला सर जी, पोलीटिकल साइंस वाला सवाल है, मैं पहले दस देना फिर तुम कहोगे पोलीटिकल साइंस। सर लोग ये कहते हैं जिते चोणा होंगे सर उत्थे ना सोशल डिस्टेंसिंग की गल है ना मास्क की गल है, जिते सर नहीं होंदियां उत्थे कहिंदे सारियां गल्लां हैगियां। मैं पहला सवाल भी तुहानूं कीता सी साडा करोना करोना तुहाडा करोना फर्क। यस बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, यह साइंस जिहड़ी हैगी इस गल नूं मे बी आंसर करन दे काबिल च नहीं हैगा, मगर मैं इत्थे होर कहूँगा कि जिहड़े रैलीस भी जाते लोग, पहली गल तो रैलीस इस हालात में तुसीं इक पासे ते लोगों को कहिंदे कि सख्ती वरतो सावधानी वरतो, दूजे पासे तुसी पोलीटिकल रैलीज भी आप अरेंज कर दे हो। सो ए अगेन पोलीटिशियन की गल्लां जिहड़ी हैगियां वो साढ़े समझ नहीं है, उन्हां दी गल्लां जिहड़ी हैगियां वो सानूं समझ नहीं आ रही, तो साडी गल्लां उन्हां नूं समझ नहीं आंदियां, मगर वो साडी गल्ल च दखल देंदे हैं। सानूं कोई इहो जिहा
मौका नहीं मिलता कि असी भी उन्होंने कह सकी कि भाई तुम एक पास तो कह रहे हो ऐलान कर रहे हो स्टेट लैवल से सेंटर लैवल से कि तुम सारे सावधान रहो तो दूजे पास शाम लखा के तादाद लोग जिते इकट्ठे हुए होंगे उत्थे तुम रैली आप अरेंज करते हो लोगों को लैके आते हो सो ये चीज़ा जी है ये साइंस नाल कोई तलक नहीं ये कोरोना नाल कोई तलक नहीं। हाँ एक गल होर है कि जेड़े जिवें डॉक्टर साहब ने भी दस्या कि जेड़े ये रैलियां जाते ने ये नीचे मतलब जेड़े लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वह जाते ने उन्होंने ये भी देखा गया है कि वह उन्होंने खाण पीन उन्होंने जेडे सारी चीज़ा है वो साढ़े नालों बैटर है तो ही करके उन्होंने डायबिटीज घट है उन्होंने हाइपरटेंशन घट है इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग है उन्होंने इम्यूनिटी स्ट्रोंग है उन्होंने ओबेसिटी नहीं है सो य सारी जी चीज़ें है यदा डायरैक्ट संबंध हैगा कोरोना नाल यानी कि मेहनत काश है जेडे वो बचणगे जे साडे वर्गे आ एसी स्टूडियो च बैठे हो फसण एब्सोल्युटली डॉक्टर संतोख सिंह जी बड़े हल्के फुल्के सवाल होंगे सर मेरे मैं औखा सवाल नहीं कहता सर पीएम का एक्शन प्लान है जोड़ा सर जमीन ते कारगर है किस तरह मतलब जिहड़े प्रधानमंत्री साहब ने एक्शन प्लान दिते है जां साडा मीडिया कह रहा है प्रधानमंत्री साहब दे मंत्र है ये सर वो जमीन ते कुछ नहीं होना सर पता चक्कर की है तुहानूं दस्सां मोटी मोटी गल हैगी है कि जब तक तुसीं अपनी इम्यूनिटी तुहाडे हाथ है पीएम ने कुछ नहीं करना इत्थे पीएम ने उहदा अपना काम साहब ने अपील की है तुसीं वैक्सीनेशन करवाओ फिर वो कहिंदे वैक्सीन वेस्टेज नहीं होनी चाहिए उन्होंने जिहड़ियां अपीलां कीतियां उहदा असर होगा कि नहीं सर देखो असर तो देखो होना असर होगा फिर असर मैं दस रहा कि मेन चीज़ है कि असी अपना ध्यान आप रखिए डॉक्टर साहब बेदी साहब ने भी दस्या है कि जी तीन चीज़ा है जी हैंड वाश जो भी है ये चीज़ों का ध्यान रखिए गुड फूड खाइए घर का ऑरगैनिक फूड खाइए जड़िया घर दिया चीज़ा है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली वो रखिए एक कोरोना हाले तक कोरोना ही आया पता नहीं होर की कुछ आना है आने वाले टाइम के असी प्रिपेयर रहिए असी अपने आप न अपना आप संभालिए क्योंकि इतने ये लड़ाई ऐसी है कि मैं इन्होंने नहीं संभाल सकता कुल मिला के बसा लिखा था सवारी अपने समान की बस ये गल है ही है तुम अपन जिन्या मैं दोबारा गल नबेड़ा कि जिन्या भी रंग बिरंगिया सब्जियां ना डरो ना तो खाओ एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ डाइट मेन है आप आए इस वास्ते हैं इतने खाने वास्ते आए हैं टू फर्टिलाइजर करने वास्ते आए हैं आप दो चीज़ा करने वास्ते आए हैं तो आप उस पर ध्यान दिए असी जो मॉडिफाइड चीज़ा खाने जड़िया आप क्विकर ओट्स से आ मैगी शैगी जो जो भी क्विकर चीज़ा खाने आप खा खा के ओबिसिटी एंड अगे सौ बीमारियां पैदा होंगे ने उस पर ध्यान दिए बाकी प्राइम मिनिस्टर अपना रोल अदा कर रहा है उन्होंने अपना दसना कि ये इस तरह करो तो इस तरह करो लेकिन साड़ी जिम्मेवारी यह बनती है कि असी अपना ध्यान आप रखिए। डॉक्टर दीप जी एक आखिरी सवाल सर कोशिश करियो 30 सैकंड के जवाब दे दियो WHO ने भारत की प्रशंसा की है सर कई बार सर असी प्रशंसा के काबल हैं जोड़ा असी कोविड के खिलाफ काम किया नहीं देखो एक काम तो जो है कि विज्ञान पक देखिए वैक्सीन डिवेलप करना वैक्सीन इन्नी मतलब कि टाइमली लैके आना उनके भी एक अपनी स्टोरी हैगी जो हिंडरेंसिज नहीं हुई सरकार खुद ने इंटरेस्ट लिया तो असी वैक्सीन बनाई हैगी है बाकी जी गल प्रधानमंत्री के नुकते की गल कर रहे हो उन्हें जो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सैकंड टायर तो बाद थर्ड टायर चल गया यानी कि पिंडा दे चला गया फिर असी संभाल नहीं सकेंगे साढ़े को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मैं कम्यूनिटी का बंदा है पब्लिक हैल्थ का बंदा है भी सानू क्यों मतलब कि पब्लिक हैल्थ के वास्ते ध्यान नहीं देना चाहिए असं क्यों वेट कर रहे हैं कि पिंडा में बजट की गल भी की बिल्कुल सही गल हैगी है कि इस साल का जो बजट असली हैल्थ बजट है ये जो दसिया गया बाई करोड़ किन्ने लाख का बजट जो है उनके हैल्थ के वास्ते पैसे पिछले बजट के बराबर भी नहीं है ये सानू समझनी चाहिए है असी मतलब कि कह सकते हैं कि असी जो थर्ड टायर की फिक्र कर रहे हैं तो पर थर्ड टायर के वास्ते असी इंतजाम करने हैं तो फिर पोलिटिक्स की गल आती है ना वो करने के चलो बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति डॉक्टर रमणीक सिंह बेदी बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोख सिंह बहुत धन्यवाद तिने पैनलिस्ट है मैडिकल साइंस से संबंधित है तो इन्होंने आपो अपनी गल रखी है तुहानू किन्नी समझ आई है ये तुसी फैसला करना है पर यह मंच वार वार तकीद करता है एक्शन प्लान तुहाडा आपदा होगा जे तुसी आपदे एक्शन प्लान में समर्थ हो सफल हो जावोगे नहीं तो जे किसी होर दा एक्शन प्लान अडोप्ट करोगे तो हो सकता है कि तुहानू नुकसान हो जाए इसलिए आपदा एक्शन प्लान बनाओ आपदे आप नू उस जगह पर रखो उस समर्था वाल अगे बधाओ जिथे तुहानू लगता है कि असी इन्हां बीमारियों तो बच सकते हैं आपदे खाण पीन वाल ध्यान दो आपदी सेहत वाल ध्यान दो ते बाकी मैडिकल साइंस नू फॉलो करोगे तो चंगे रहोगे बहुत धन्यवाद।